दिस इज द लेक्चर नंबर 32 एंड टूडे वी विल एक्सप्लेन द सेल सॉर्ट. ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन द बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट इन द प्रीवियस लेक्चर एंड यू मस्ट ऑल्सो नो द एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो टूडे द टॉपिक इज सेल सॉर्ट एंड सेल सॉर्ट इट इज बेस्ड ऑन द इंसर्शन सॉर्ट. आप पहले इंसर्शन सॉर्ट में जाइए. इट इज बेस्ड ऑन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूजिंग इंटरवल टेक्नोलॉजी. अब देखो इंटरवल टेक्नोलॉजी क्या है, एक हम एग्जांपल लेते हैं. देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल. तो हमारा पहला एलिमेंट क्या है आपका 9, फिर 8 है, फिर आपका 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है. ठीक है, आपको माना एग्जांपल एग्जाम में आपको ये दे रखा है और आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है. यू हैव टू सॉर्ट. ओके, हाउ टू सॉर्ट इट? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं कितने हैं आपके, आप उसको एन अपॉन टू कर देंगे. यानी कि आपके यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4. तो आपका ये इंटरवल हो गया. तो आप ऐसा इंटरवल बनाएंगे 4 का, कैसे? अब देखो देखो, पहला आपका 9 है, फिर आपका 8 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है. तो हमने पहला इंटरवल क्या लिया, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका और इसका ले लिया. सुनाया, आप देख रहे होंगे इन दोनों एलिमेंटों के बीच में जो है 4 का इंटरवल है. ठीक है, दूसरा हमने इन दोनों में इंटरवल ले लिया. ठीक है, इसमें और इसमें. तीसरा हमने इन दोनों एलिमेंटों के बीच में इंटरवल ले लिया, इसमें और इसमें. ध्यान रखना ये है, ध्यान रखना 4 है तुम्हारा. और लास्ट हमने इन दोनों के बीच में कर लिया. तो क्या हो गया, तो जब हमने इंटरवल लिया तो हमारा क्या इंटरवल क्या है, देखो पहला 9 और क्या है 5 है. पहला इंटरवल है 9 और 5 वाला. ठीक है, दूसरा इंटरवल है आपका 8 और 6 वाला, 8 और 6. और थर्ड तुम्हारा क्या है, 3 और 4 वाला, 3 और 4. और लास्ट तुम्हारा क्या है, ये 4 है, ध्यान रखना, 7 और 1 वाला, 7 और 1. अब हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे. यू नो दैट 9 छोटा एलिमेंट आगे रखना है, बड़ा एलिमेंट पीछे रखना है. दैट इज द टेक्निक वी आर यूजिंग. तो छोटे एलिमेंट को आगे रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम. तो हम क्या करेंगे, देखो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या कर देंगे, इसको 5 और 9 कर देंगे, और इसको 6 और 8 कर देंगे. इसको ये तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 1 और 7 आ जाएगा. ये करते ही अब आपको इसको इनकी जो पोजीशन है इनको वैसे ही यहां रख दो. रखो, इन दोनों को स्वैप किया मैंने. मैंने क्या किया, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को स्वैप किया, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को स्वैप किया. अगर अगर दिस इज स्मॉलर देन दिस, वैसे यहां भी किया, वैसे यहां भी किया. ठीक है, अब प्लेस करेंगे. देखो यानी कि इन दोनों में 5 यहां आ जाएगा, यानी कि 5 यहां आएगा. ठीक है, और आपका 1, 2, 3 और 9 आपका यहां आ जाएगा. आ गया 5 और 9. उसके बाद 8 और 6, यानी कि 6 यहां आएगा, 6 यहां आएगा, तो 8 यहां आ जाएगा. ठीक हो गया. फिर आपका 3 और 4, ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 4. फिर आपका 7 और 1 में 1 यहां आ जाएगा और आपका 7 यहां आ जाएगा. वेरी सिंपल. तो हमने पहला टारगेट क्या कर दिया, एन अपॉन 4 से ये कर दिया. ठीक हो गया. फिर नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एन अपॉन 4 कर दो आप. पहले हमने एन अपॉन 2 किया, अब एन अपॉन 4 करो. ठीक है, तो आपका एन कितना है, एन तो 8 है, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 होता है. 2 इंटरवल लेंगे अब हम, 2 इंटरवल लेंगे. यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, तो हमने 2 इंटरवल लिया. देखो आप, 5 है, 6 है, 3 है, 1 है, 9 है, 8 है, 4 है और 7 है. 2 इंटरवल मतलब ये दोनों. ठीक है, फिर आपका ये दोनों. ठीक है, पहले हम दो ही करते हैं, आपको फिर समझ में आएगा, नहीं तो वैसे आप थोड़ा वो हो जाएंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को देखा. तो आप जानते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, स्वैप कर दो, कर दिया. एंड 6 और 1 को देखो, 1 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 1, तो आपको स्वैप करेंगे, तो आपका 1, 6 आ जाएगा. इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये हमने कर लिया 9, 8, 4 और 7. यही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, आगे भी को भी यूज करेंगे. ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर आगे जाएंगे. अगर आप फर्स्ट आपने ये कर लिया, इन दोनों को कर लिया आपने. ठीक है, 6 और 1 को कर लिया, यानी कि इन दोनों को करना है, है ना. फिर उसके बाद ये दोनों हमने कर लिए हैं. ठीक हो गया, फिर ये दोनों कर लिए, फिर इन दोनों को करना है ना. फिर उसके बाद हमको इन दोनों को करना है, ध्यान रखना, इन दोनों को करना है, फिर हमको इन दोनों को करना है. ठीक है, और यहां पर ये ध्यान रखना,
पहले हमने इन दोनों को किया, एक को छोड़ करके, इसको और इसको किया, फिर हमने इसको और इसको किया, और फिर इसको और इसको किया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, तो आप एक काम करते हैं, ये आपका पहला है 3, मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 5 है, मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 9 है, मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 4 है, मैंने यहाँ लिख दिया, लिख दिया, वेरी सिंपल, ऐसे कन्फ्यूजन है। फिर मैंने क्या, 1 है, 1 को यहाँ लिख दिया, 6 को यहाँ लिख दिया, और 8 को यहाँ लिख दिया, और 7 को यहाँ लिख दिया। यानी कि जो मेथड मैंने यहाँ अप्लाई किया था, वो उसमें मैंने क्या कर दिया, वही मेथड हम और अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया इसके लिए, ये जो 1-1 इंटरवल वाले एलिमेंट हैं उनको अलग कर दिए, उनको अलग कर दिए, रख कर दिए। अब इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, और इसको भी शॉर्ट कर दो। तो शॉर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट मतलब स्वैप कर देना है, ठीक है। वही आपका जो पहला जो टेक्निक है इंसर्शन शॉर्ट, वही हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने यहाँ किया था वही अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला 3 है, फिर 5 है, ये 4-9 आ जाएगा, यानी कि 3-5-4-9, ये आपका ऐसा हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, 1-6, और ये 7-8 हो जाएगा। जैसे ही ये हुआ, अब इसको आप वैसे ही प्लेस कर दो, ठीक है। 2 यानी कि 3 में क्या आ जाएगा, देखो आप, पहला तो आपका 3 है, पहला 3 है, दूसरा क्या आ जाएगा, 1-1 आ जाएगा, फिर तीसरा क्या आ जाएगा, 5-5, फिर चौथा क्या आ जाएगा, 6-6, फिर इसके बाद क्या आएगा, 4-4 के बाद क्या आ जाएगा, 7-7 के बाद क्या आ जाएगा, 9-9, और 9 के बाद क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। ये आपका हो चुका है। नाउ नेक्स्ट n अपॉन 8 कर देना है आपको। पहले आपने क्या किया, n अपॉन 2 किया, फिर n अपॉन 4 किया, अब आप n अपॉन 8 करेंगे। तो 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अब इंटरवल क्या होगा, 1 का लेंगे। अब इंटरवल हमको क्या करना है, 1-1 का इंटरवल लेना है। देखो आप कैसे करेंगे, यहां से बहुत आसान, किस प्रकार से करेंगे, देखो 3-1 और आपका 5 और आपका 6 और आपका 4 और आपका 7 और आपका 9 और आपका 8। तो पहले हम इन दोनों में किया, आप जानते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो स्वैप कर दो, ठीक है, स्वैप कर देंगे। तो 1-3, यहां मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 4 कहां है, यहां मैंने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, पहले आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ये गलती कर दी, ये 4 आएगा, 3-4-5, ठीक है, 3-4-5-9, और ये क्या है, 1-6-7-8, सही है, ये स्वैप सही होना चाहिए, ध्यान रखना, ये हमने गलती कर दी। इसके बाद देखो, पहला 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, बिल्कुल सही है, फिर 4 आएगा, यहाँ 4 आना चाहिए, ये ध्यान रखना, फिर 4 आएगा, पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 5, यहाँ 5 आना है, 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, फिर 8। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, पहले ये एक ग्रुप अलग है, 1-2-3-4, एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है, यानी कि पहला ग्रुप का पहला एलिमेंट, फिर दूसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट, पहले ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, दूसरे ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, पहले ग्रुप का तीसरा एलिमेंट और दूसरे ग्रुप का तीसरा एलिमेंट, फिर पहले ग्रुप का चौथा एलिमेंट और दूसरे ग्रुप का चौथा एलिमेंट, ये हमने अरेंज कर रखा है। तो आपका पहला क्या है, 3 है और 1 है, ठीक है, यहां पर आपका 4 है, ध्यान रखना, ये 4 है और ये आपका 5 है, ठीक है, ये हो गया। तो 3-1-4-6-5-7-9-8, तो पहले में हम इन दोनों को लिया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, हम यूज क्या कर रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट, इसको कैसे करते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है, पहले इंसर्शन सॉर्ट में जाना, हमने क्या किया इसको, आप इन तीनों का कर देख रहे हैं हम, ठीक है, 1, 3 और 4, आपको साफ दिख रहा है कि इसमें एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में है, तो देयर इज नो स्वैप, यहां कोई स्वैप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 1-3-4-6 और 5-7-9-8, यहां भी आपका स्वैप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखो 1 है, 3 है, 4 है, 6 है और 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, इस बार क्या है, ये 5 आ गए एलिमेंट, यानी कि 1-3-4-6-5, ठीक है। अब आप देखो इसमें इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, तो इन दोनों को स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-3-4-5-6-7-9-8 हो गया है। ध्यान रखना एक एक इंटरवल में स्वैप हो रहे हैं यहां पर, क्योंकि हम ऑलरेडी वी हैव डन सम वर्क, वी हैव डन, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां तक हो गया। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, यहां तक, यानी कि इस बॉक्स में यहां तक। अब देखो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद देखो 1-3-4-5-6-7-9-8, फिर यहां भी देखो इस बॉक्स में 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और लास्ट में देखो आप, लास्ट में क्या है आपका, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और
नाइन और एट, यानी कि इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे एट और नाइन, लास्ट आपका ये हो गया है। तो दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव सॉर्टेड, ठीक है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्रॉब्लम वॉज 9, 8, 3, 7, 5, 6, 4, 1, तो वी हैव सॉर्टेड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सेल सॉर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल सॉर्ट होता है तुम्हारा, ठीक है, जो सेल सॉर्ट होता है, इसका वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस क्या होगा, ठीक है, ये आपको देखना है। इसका इंसर्शन सॉर्ट ही के बराबर होता है, आप इंसर्शन सॉर्ट में जाओ और देखो वहां पर, ठीक है, इसका कितना होता है। ऑलरेडी वी हैव डन, आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड, ओके। तो मेरा यहां पर हम क्या बता रहे हैं आपको, ये एल्गोरिथम काम कैसे करती है। सो वी आर नॉट राइटिंग द प्रोग्राम, इफ यू वांट टू नो द प्रोग्राम देन यू मस्ट गो इन गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट, और आपका क्या है, इंसर्शन सॉर्ट, वहां हमने प्रोग्राम कर रखा है। ओके, थैंक यू।